करेंगे शिफ्टिंग बैलेंस थ्री की शिफ्टिंग बैलेंस थ्री क्या है इसको समझने के लिए हमें अडेप्टिव लैंडस्केप के बारे में जानना होगा अडाप्टिव लैंडस्केप एक ऐसा ग्राफ है बेसिकली जो कि जिसमें रिलेटिव फ़िटनेस प्लॉट की जाती हैं वो इंडिविजुअल जो रिलेटिव हाई फिटनेस पर होते हैं वो अडेप्टिव पीक पर होते हैं और वो इंडिविजुअल दीज आर दी एडेप्टिव पीक्स और वो इंडिविजुअल जो के लो फिटनेस रखते हैं रिलेटिव लो फिटनेस से मुराद है बाकीों के मुकाबले में लो फिटनेस ये हमने बात कही थी कि फ़िटनेस हमेशा रैलीटिव होती है यानी कि एबसलूट uh, नहीं होती बल्कि ये एक दूसरे से कंपैरिजन के नतीजे में हम फिटनेस को डिटरमिन करते हैं तो ये दिस इज़ एन एडाप्टिव लैंडस्केप और एडाप्टिव लैंडस्केप में ये ग्राफ है जहाँ पर प्लॉट की गई है मतलब जीनोटाइप वो जिनोटाइप जो बाकी के मुकाबले में रैलीटिवली हाई पीक पर हैं दीज आर दी एडाप्टिव पीक्स एडाप्टिव पीक पर मौजूद जो जीनोटाइप्स हैं इनका इसका मतलब है कि ये रिलेटिव हाई फिटनेस पर हैं जो ज़्यादा हाई है पीक्स में उसे uh, जो है वो हाईएस्ट पीक दी गई है और जो ये पीक पर है लेकिन ये लोएस्ट पीक होने का मतलब है कि इसकी फिटनेस जो है वो बाक़ी पीक के मुकाबले में रिलेटिवली लो है ये एडाप्टिव पीक हैं और ये अडाप्टि लैंडस्केप में दीज आर दी एडाप्टि पीक्स एंड दीज आर अडाप्टि वैलीज ये जीनोटाइप जो कि वैली में हैं इनकी फ़िटनेस पीक्स के मुकाबले में बहुत कम है और यहाँ पर भी अडाप्टि वैली की भी अपनी अपनी फ़िटनेस जो है यानी ये जो है इनकी फ़िटनेस बहुत कम है ये अडाप्टि वैली में है इनकी फ़िटनेस पीक्स के मुकाबले में तो कम है लेकिन इसकी फ़िटनेस के मुकाबले में इसकी फ़िटनेस जो है वो ज़्यादा है तो इस तरह से ये अडाप्टिव लैंडस्केप एक ग्राफ है जिसमें अडाप्टि पीक्स और अडेप्टिव जो है वो वैलीस uh, को दिखाया गया है अब शिफ्टिंग बैलेंस थेरी क्या कहती है शिफ्टिंग बैलेंस थेरी कहती है कि uh, किसी भी जीनो को जब एक पीक से दूसरे पीक में कन्वर्ट होना होता है ये शिफ्टिंग बैलेंस थेरी कहती है कि एडाप्टिव पीक्स जो हैं ये कांस्टेंट नहीं है ना ही वैलीज कॉन्स्टेंट हैं बल्कि इनकी फिटनेस चेंज होती रहती है ऑफकोर्स हमने uh, मौत के हवाले से पढ़ा था Okay. के इन्वामेंट के चेंज होने से फिटनेस जो है वो चेंज होती है जैसे ब्लैक मॉथ एक वक्त में फिट थी तो दूसरे वक्त में ग्रे माउथ फिट थी तो इसी तरह से ये इनकी फ़िटनेस जो है वो चेंज होती रहती है लेकिन शिफ्टिंग बैलेंस थेरी वॉज प्रेजेंटेड बाय राइट ही सेड दैट व्हेन वन पीक हैज़ टू कन्वर्ट इन दी अदर अडाप्टिव पीक वन अडाप्टिव पीक हैज टू कन्वर्ट इन टू अदर अडाप्टि पीक इट मस्ट गो थ्रू द अडाप्टि वैली यानी एक अडाप्टि पीक को दूसरे अडाप्टि पीक में कन्वर्ट करने के लिए से शिफ्ट होने के लिए अडाप्टि वैली से गुज़रना पड़ता है तो इसी तरह ये बैलेंस शिफ्टिंग बैलेंस का यही मतलब है कि एक पीक से वैली में कन्वर्ट होना और वैली से फिर पीक में चले जाना और एक लो पीक से जो है वो हाई पीक की तरफ चले जाना तो फिटनेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं अब अगर इससे पहले कि हम इस बात को एड्रेस करें कि ये शिफ्टिंग बैलेंस क्यों होता है या ये पीक्स कन्वर्ट क्यों होती हैं एक पीक से दूसरी पीक में या एक वक्त में जो एडाप्टिव पीक पर जिनोटाइप है वो एडाप्टिव वैली पर क्यों चली जाती है हम पहले इस कुछ और बात कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट की गई हैं दीज आर दी हैप्लोटाइप्स ये टाइप्स हैं हमने फोर जीन को कंसिडर किया है ए बी सी डी और हम अपनी सिम्पलिसिटी के लिए एज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाते हैं ठीक है इस पापुलेशन में जिसको हम बात कर रहे हैं इसमें ए बी सी डी होमोजाइगस है अब यहाँ पर आप देखें क्लास कि यहाँ और हम साथ में ये एज्यूम करते हैं कि इसमें से Uh, जो कैपिटल लेटर हैं वो फ़िटनेस uh, इम्प्रूव करते हैं और जो स्माल लेटर हैं वो फ़िटनेस कम करते हैं यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी जो है वो फ़िटनेस ज़्यादा कर रहा है जबकि जो स्माल ए स्मॉल बी और सी डी हैं वो फिटनेस कम कर रहे हैं ठीक हो गया अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए एक बात और uh, जो है वो एज्यूम करते हैं और वो क्या है कि हमारी जो ए, आ, स, ए, स, ए और बी हैं वो कैपिटल फॉर्म में फ़िटनेस ज़्यादा कर रहे हैं जबकि सी और डी जो हैं वो स्मॉल लेटर की फॉर्म में फ़िटनेस जो है वो, वो ज़्यादा कर रहे हैं तो इस तरह ये हमने कुछ एजम्पन्स जो हैं वो इसके हवाले से बना ली हैं अब अगर आप ये अगर हाँ ये हमने सिंपलेस्ट केस लिया है सिर्फ फोर अलील का अगर फोर से ज़्यादा फोर ही अलील लें फोर ही जीन लें लेकिन उनके बहुत से अलील्स हों जैसे कैपिटल ए है लिया है लेकिन उसके कैपिटल ए और स्मॉल ए के बजाय और बहुत से अलील हैं यानी ए वन ए टू ए थ्री तो उस केस में ये अडाप्टिव पीक्स और अडाप्टि वैलीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और पॉसिबल कम्बिनेशनस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इस इस तरह से इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल केस लिया है लेकिन इन नेशनल पॉपुलेशन ये केसेस बहुत ही ज़्यादा कम्प्लैक्स होते हैं सेकेंडली ये कि यहाँ पर हम पॉपुलेशन की फ़िटनेस की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की फ़िटनेस की बात नहीं कर रहे हैं अगर आप Uh, ये इन दोनों में बहुत फ़र्क है एक पॉपुलेशन जो है वो उसकी एज एन होल फिटनेस जो है वो एक इंडिविजुअल की फ़िटनेस से अलग हो सकती है जैसे कि आल्ट्रिज़म का केस है आपने शायद पढ़ा होगा आल्ट्रिज़म को जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप को सेक्रीफाइस करता है अपने ग्रुप को के बेनिफिट के लिए उस केस में जो इंडिविजुअल है उसकी फ़िटनेस कम है क्योंकि उसके वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन बाकी ग्रुप की इंडिविजुअल जो है की फ़िटनेस जो है वो बढ़ी इसी तरह से जो सोशल पैरासाइट या सेल्फिश जो हैं वो जीन्स होते हैं उस केस में ऐसे इंडिविजुअल जिनमें सेल्फिश जीन होते हैं वो उनकी अप, वो अपने लिए बस अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं ग्रुप के फ़ायदे के लिए काम नहीं करते तो उस केस में उनका अपनी फ़िटनेस ज़्यादा होती है लेकिन ग्रुप की फ़िटनेस जो है वो कम होती है एनी हाउ हमने इन सबको इग्नोर किया है और हमने सिंपलेस्ट केस लिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोर जीन पेयर्स हैं और उनमें कोई भी ऐसी कम्प्लिकेशन नहीं है और हमने कहा है कि अडाप्टिव वैल्यू जो हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए हैं और जो दूसरी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल हैं उनकी जिनके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी है उनके अडाप्टि वैल्यू ज़्यादा है अब यहाँ पर हम ये देखें कि जो जब हम जितनी एजम्पन्स हमने बनाई हैं उसके मुताबिक ये जो जीनोटाइप है जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी है जबकि स्मॉल सी और स्मॉल डी है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है इनकी ये सबसे ऊंची पीक बनेगी इनकी अडेप्टि वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जो बाकी सब हैं वो आ, उनके अडेप्टि वैल्यू कम है अब शिफ्टिंग बैलेंस तेरी क्या कहती है कि एक जो पीक है उसको ये दूसरी पीक में कन्वर्ट होने के लिए वैली से गुजरना पड़ता है यहाँ पर आप देखें कि एक रूट दिखाया गया है ये है सबसे लोएस्ट पीक जिसमें दोनों डेलीटेरियस सी डी हैं जबकि ए बी स्माल लेटर हैं ये पहले इस तरह से गुजरेगा जिसमें डी स्मॉल हो गया है फिर ये यहाँ पर ये एरोज के ज़रिए दिखाया गया है इस तरह से ये हाईएस्ट अडेप्टि वैली जो है वो अटेन हाईएस्ट अडेप्टिव पीक जो है वो अटेन कर लेगा इन डिफरेंट स्टेप्स ठीक हो गया अब ये अडेप्टि वैली डिफरेंट स्टेप में कैसे अटेन की जाती है इसके लिए राइट ने हमें मुख्तफ जो है वो फैक्टर्स दिए हैं जैसे कि सबसे पहले रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट राइट कहता है कि ये पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल डीम्स में कन्वर्ट कोई भी पॉपुलेशन जो है वो छोटी छोटी सब पॉपुलेशन पर मुशमिल होती हैं उनकी छोटी छोटी सब डिवीजन होती हैं जिन्हें आप डीम्स का नाम देते हो डीम क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है तो उस पर जेनेटिक ड्रिफ्ट असर अंदाज हो सकता है तो आ, राइट कहता है कि रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ दी मेन फैक्टर जो कि ये बैलेंस को शिफ्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सलेक्शन सिलेक्शन जो है वो भी क्योंकि इन्वामेंट चेंज होने से सिलेक्शन भी का क्राइटेरिया भी चेंज होता है तो वो भी पीक से वैली और वैली से पीक में कोई भी पापुलेशन अपनी जीनो के साथ आ सकती है नेक्स्ट पोलिमोरफिज़म जो कि माइग्रेशन और म्यूटेशन की वजह से होती है कई डीम्स आपस में माइग्रेट कर रहे हैं या म्यूटेट कर रहे हैं तो भी इनमें नए जीन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर कोई जो जीन है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं तो इस तरह से भी ये चेंज आ सकता है इसके अलावा इफेक्ट एपिस्टैटिक इफेक्ट का आप जानते हैं कि एक जीन का इफेक्ट दूसरे पर होना तो ये मुख्तु कम्बिनेशन जब जीन के बनते हैं तो इनके उनके मुख्तिफ़िस्टैटिक इफेक्ट्स बनते हैं जिसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो उनकी अडाप्टिव पीक जो है उनकी फ़िटनेस चेंज होती रहती है तो ये सब फैक्टर्स हैं ये सेवन के सेवन फैक्टर्स आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं इसके बाद हम बात करेंगे फ़िशर की फिशर जो है वो अपोज़ करता है राइट की इस थीम को कि पॉपुलेशंस जो हैं वो सब uh, डिवाइडेड होती हैं फ़िशर कहता है कि पॉपुलेशन बड़ी और होमोजेनस होती हैं और उनमें जो चेंज है वो इस तरह से नहीं आता जैसे कि राइट uh, right कह रहा है राइट right के मुताबिक जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिलेक्शन मेन फैक्टर है जबकि फ़िशर के मुताबिक म्यूटेशन जो है पॉपुलेशन में वो मेन फैक्टर है यहाँ पर इस ग्राफ में दोनों का कंपेरिज़न दिखाया गया है uh, जैसे ये होमोजेनस पॉपुलेशन में फ़िशर की बात की गई है और ये सब डिवाइडेड पॉपुलेशन में राइट की बात की गई है यहां पर देखें वट इज सेलेक्टेड होमोजीनियस पॉपुलेशन में जीन अफेक्टिंग फ्राम इट्स अलील इन नेट सेलेक्शन वैल्यू तो जबकि जो पॉपुलेशन जो डीम में है उसमें डिफरेंट जीन फ्रिक्वेंसीज सेक्ट की जाती हैं यानी होमोजेनस पॉपुलेशन में अलील सेलेक्ट किए जाते हैं जबकि जो सब डिवाइडेड पॉपुलेशन है उसमें जीन फ्रिक्वेंसीज सेक्ट की जाती हैं इसी तरह से होमोजेनस पॉपुलेशन में म्यूटेशन मेन फैक्टर है चेंज लाने का जबकि डीम्स में जेनेटिक ड्रिफ्ट और सिलेक्शन फैक्टर है यहाँ पर हॉजनस पॉपुलेशन में सिलेक्शन इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है जबकि डीम्स में सिलेक्शन बिटवीन डीम्स होती है तो इस तरह से ये आपने ये पढ़ लेना है प्रोग्रेस रिस्ट्रिक्टेड टू तो सिंगल पीक ये आपको ईजीली समझ आ जाएगा ये दिस इज़ द कंपैरिज़न बिटवीन फिशर एंड राइट्स फिलहाल हम दोनों ही आर्गूमेंट्स ठीक कंसीडर किए जाते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए राइट ठीक है किसी पॉपुलेशन के लिए फ़िशर ठीक है और हम इन दोनों को ही जो है वो साथ लेकर चलते हैं